नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 6 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। कुछ विशेष बातें, विशेष सूचनाएं, विशेष समाचार आप सबको बताने के लिए। पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे तमाम साथी, और जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी जरूर कर देंगे। दोस्तों ये सब करना अत्यावश्यक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से घाटे में रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए, परिवर्तन आए, आपका डूबा हुआ पैसा आपको मिले, सुरक्षा आपको मिले, तो पूरा वीडियो ध्यान से सुन लिया करें और आपको ताजा अपडेट घर बैठे मिलती रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अत्यावश्यक है। इसलिए इस काम को तमाम कंजूसियों को छोड़ के कर लिया करें, क्योंकि इसमें कोई पैसा वैसा खर्च नहीं होता है, ये मुफ्त का ही काम है। आप बहुत तरह की चीजें देखते हैं, बहुत सारे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनसे कहीं ज्यादा बेहतर होगा आप इस ज्ञानपूर्ण जानकारियों से लबालब। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सुन लिया करें, ताकि आपको बहका ना सके, फुसला ना सके और आप किसी के भय से कोई आत्मघाती कदम ना उठाए। दोस्तों आज सुबह मैंने अपने उसमें तब जब न्यूज चैनल पर बताया था, एक फ्रेंचाइजर का फोन आया था, सहारा इंडिया परिवार के, का वो सुसाइड करना चाह रहे थे, बहुत तनाव में थे। खैर अब वो ठीक हैं, स्वस्थ हैं, लड़ेंगे। 12 मार्च के कार्यक्रम में दिल्ली आएंगे और जो देश में उनकी जैसी स्थितियों से गुजर रहे हैं लोग, उनको भी एक शुभ संदेश देंगे कि अब कोई भी साथी हमारा, चाहे वो सहारा इंडिया परिवार का पीड़ित हो, जैसे पल्स का हो, टोकोरेटिव मार्केटिंग का हो, GCA का हो, बाइक बोर्ड का हो, RMCL का हो, साइंस सिटी का हो, फ्यूचर मेकर का हो, कैची पिक्सल का हो, साई प्रसाद का हो, समृद्धा जीवन का हो, गरिमा का हो, मैत्रेयी का हो, कैलकॉम का हो, सक्षम डेयरी का हो, या फिर क्या बोलते हैं उसको, प्रज्ञा का हो, या फिर आदर्श मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का हो, जनशक्ति का हो, ट्रिनिटी का हो, कैमना का हो, अल्केमिस्ट का हो, या और जितनी भी ठग कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, इंक्लूडिंग HBN, डीपर्स एलाइट, विश्वामित्रा, GN गोल्ड, GN डेरी इत्यादि इत्यादि, कोई भी साथी अब सुसाइड नहीं करेंगे, आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने, हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने आप सबको कानून बनाकर आपके भुगतान की गारंटी दे दी है। और आप लड़ेंगे, मांग करेंगे इस कानून के अंतर्गत, तो निश्चित रूप से आपको आपका डूबा हुआ पैसा आपकी जमा राशि के 2 से 3 गुना 180 दिन में मिल जाएगा, बशर्ते आप ये काम कर लेंगे तो कर लें। कैसे करना है ये जानना है तो मेरे पुराने वीडियोस को सुन लें, मैंने बहुत विस्तार से फॉर्म कहाँ से मिलेगा, फॉर्म कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ये तमाम चीजें विस्तार से बताई हैं। बहुत सारे वीडियोस मेरे इस विषय पर हैं, आप उनको सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपको संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, अपने धन को वापस प्राप्त करेगा। चूंकि 12 मार्च 2024 को हम आदरणीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सार्वजनिक नागरिक अभिनंदन राजधानी दिल्ली में करने जा रहे हैं, और उसके लिए रामलीला मैदान को बुक कराया है, ताल कटोरा स्टेडियम को बुक कराया है, क्योंकि सरकारी दिशा निर्देश के हिसाब से ही हमें चलना होगा। जैसी डायरेक्शन वहां से मिलेंगी, हम तो केवल आयोजक हैं, लेकिन आयोजकों को भी सरकार की गाइडेंस में ही चलना होगा। और आज आप सबके ठहरने के लिए, चूंकि 1000 वॉलंटियर्स चाहिए हमें, पूरे कार्यक्रम को प्रबंधित करेंगे, पूरे कार्यक्रम का प्रबंधन संभालेंगे, किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को कार्यक्रम में प्रवेश नहीं करने देंगे। प्रशासन के और पुलिस के साथ मिलकर और सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मिलकर के पूरे आयोजन को
हमारे ये 1000 वॉलंटियर साथी ही मैनेज करेंगे, इसलिए हमारे इन वॉलंटियर साथियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए, उनको कुछ चीजें सिखाने के लिए, बताने के लिए हमने 11 मार्च को दिल्ली में बुलाया है। और जो ये 1000 साथी हमारे वॉलंटियर साथी 11 मार्च को दिल्ली आएंगे, उनके रहने की और उनके भोजन पानी की व्यवस्था हम स्वयं करेंगे, संगठन की ओर से करेंगे। तो उसके लिए हमने ये हिंदू महासभा भवन को साथियों बुक करा दिया है। 11 मार्च की रात्रि के लिए आप सीधे हिंदू महासभा भवन आएंगे, ये भी बिल्कुल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास में ही है, मंदिर मार्ग बोलते हैं उसको। किसी से भी पूछोगे हमें हिंदू महासभा भवन जाना है, बिरला मंदिर के बराबर में जब रेलवे स्टेशन की तरफ से आप आएंगे नई दिल्ली की तरफ से, तो ये पहले पड़ता है, उसके साथ में ही बिरला मंदिर है। उस हिंदू महासभा भवन का जो हॉल है और 5 कमरे हैं, वो सब आपके लिए आज बुक कर दिए गए हैं, पेमेंट कर दी गई है। आप सब लोग वहीं रहेंगे, वहीं आपको भोजन पानी की व्यवस्था होगी, हलवाई बिठा देंगे आपके लिए ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और पूरी रात आपके साथ जो साथी मतलब बांट लेंगे भागों में, एक जो साथी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं वो प्रशिक्षण प्राप्त करते रहेंगे, बाकी साथी सोते रहेंगे। फिर सहयोग राशि भेजी है, इसके अलावा भी और कुछ साथियों ने भेजी होगी जो मैं नोट नहीं कर सका हूं, तो मैं तमाम अपने दानवीर भामाशाह साथियों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं साथियों। चूंकि ये बड़ा आयोजन है, इसमें लाखों रुपए का खर्चा आ रहा है, और अगर हम एक एक रुपए से भी सहयोग करेंगे तो हमारे पास एक विशाल कोष इस आयोजन के खर्चे के लिए इकट्ठा हो जाएगा। मैं बता चुका हूँ पहले भी आपको कि 1,00,000 रुपये हमारे मास्टर प्रताप सिंह जी ने हमको सहयोग राशि दी थी। हमारे जो अशोक मुदगल साहब हैं, उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया है। बंसीलाल मीणा जी का सहयोग मैं आपको बता चुका हूँ कई बार। उसके अलावा हमारे कर्नाटक के जो अध्यक्ष हैं प्रदेश के, उन्होंने 25,000 रुपये की सहयोग राशि भेजी थी। और हमारे दिलीप काका जी बर्वे साहब, महाराष्ट्र वाले गुजरात के प्रभारी कहें तो पूरे उसके पश्चिम भारत के प्रभारी और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनका सहयोग भी अतुलनीय है दोस्तों। वैसे तो सभी साथियों का सहयोग अतुलनीय है, किसी ने अगर 1 रुपया भी इस संक्रमण काल में इस पूरे मिशन में खर्च किया है, किसी ने 1 पल का भी समय दिया है, किसी ने मन में भी केवल समर्पण की भावना ले आया है कि हमें इस कार्यक्रम के साथ, इस संगठन के साथ जुड़कर संघर्ष करना चाहिए, तो मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं। और आप सबको 12 मार्च के इस महान आयोजन में, महान यज्ञ में सादर आमंत्रित करता हूं। आइए पधारिए, स्वागत है आप सबका। जय हिंद, जय भारत।